Who's it? Don. दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के नायकों के नायक महानायक द वन एंड ओनली डॉन। हिंदी फिल्मों में 40 साल से ज्यादा समय बिता चुके अमिताभ बच्चन को 20वीं सदी का महानायक यानी सुपरस्टार कहा जाता है। वैसे प्यार से इन्हें लोग बिग बी और शहंशाह भी कहते हैं। इनकी बहुत सी फिल्मों की वजह से इन्हें 1973 में यंग एंग्री मैन की ऐतिहासिक इमेज भी मिली है। इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जा चुका है। इसके अलावा इन्हें 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। और तो और अमिताभ फिल्म फेयर में सबसे ज्यादा लगभग 39 बार अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की एजुकेशन की। इनकी शुरुआती एजुकेशन इलाहाबाद से हुई। इसके बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए उत्तराखंड के नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में भेज दिया गया। नैनीताल के बाद की पढ़ाई इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरीमल कॉलेज से की थी। पढ़ाई में वे काफी अच्छे थे और उनकी गिनती कुछ गिने चुने छात्रों में होती थी। इनकी एजुकेशन कितनी बेहतर थी आप इनकी दिल की छू देने वाली भाषा से ही समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं इनकी फैमिली बैकग्राउंड की। श्री अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था, यानी अब ये लगभग 75 साल के हैं। इनकी पत्नी जया बच्चन भी अब 70 साल की हो गई हैं और इन्हीं के साथ काम करने वाले धर्मेंद्र अब 82 साल के हो गए हैं। पहले अमिताभ का नाम इंकलाब रखा गया था, लेकिन इनके पिता के दोस्त रहे सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर इनका नाम अमिताभ रखा गया। इंकलाब नाम रखने के पीछे का कारण था उस दौर में चल रहा स्वतंत्रता संग्राम। इस दौर में इंकलाब जिंदाबाद का नारा खूब जोरों पर था और उनके पिता उससे प्रेरित थे। इनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। आपने स्कूल के दिनों में इनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जरूर सुना होगा। इनकी माता का नाम तेजी बच्चन था और वह इंदिरा गांधी की पक्की सहेली थी। तेजी बच्चन कराची के सिख परिवार से थी। बात करते हैं अमिताभ बच्चन के करियर की। अमिताभ बच्चन की शुरुआत फिल्मों में अपनी आवाज देने से हुई थी और इन्होंने अपनी आवाज पहली बार फिल्म भुवन शोम में दी थी। इस दौरान इन्हें मॉडलिंग के लिए काफी ऑफर मिल रहे थे, पर इन्होंने इसमें कोई रुचि नहीं ली। लेकिन एक्टर के तौर पर इनका करियर फिल्म सात हिंदुस्तानी से शुरू हुआ था। इनके भाई अजिताभ ने अमिताभ की कुछ तस्वीरें निकाली और उन्हें ख्वाजा अहमद अब्बास के पास भिजवा दिया। अहमद साहब उन दिनों सात हिंदुस्तानी फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन सात हिंदुस्तानियों में से एक का रोल अमिताभ को मिला। अमिताभ को इस रोल के लिए चुनते समय अब्बास साहब को ये नहीं मालूम था कि अमिताभ बच्चन कबीर बच्चन के साहबजादे हैं। अब्बास साहब ने मजाक में अमिताभ के नाम का मतलब पूछ लिया। अमिताभ ने अपने नाम का मतलब सूर्य और गौतम बुद्ध का भी एक नाम बताया है। अब्बास साहब ने अमित जी से कहा कि वे इस फिल्म के लिए मेहनताना 5,000 रुपए से ज्यादा ना दे सकेंगे। अमिताभ मान गए। इसके बाद फिल्म के लिए जब एग्रीमेंट में अमिताभ की बल्दियत पूछी गई तो अमित के हरिवंश राय बच्चन कहने पर फिल्म के डायरेक्टर अब्बास साहब ने साफ कह दिया कि वे इनके पिता से इजाजत लेकर ही उन्हें काम देंगे। अमिताभ को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार सात हिंदुस्तानी के लिए अमिताभ को चुन लिया गया। ये फिल्म 1969 में बनकर तैयार हुई और दिल्ली के शीला थिएटर में रिलीज हुई। तब अमिताभ ने पहले दिन अपने माता पिता के साथ इसे देखा था। इसी शीला सिनेमा में कॉलेज से बंक मारकर उन्होंने कई फिल्में देखी थी, पर आज वो खुद की अपनी फिल्म देख रहे थे। पर ये फिल्म ज्यादा चल ना सकी और फ्लॉप हो गई। अमिताभ को असली पहचान फिल्म जंजीर से मिली थी। अमिताभ की 1973 में फिल्म जंजीर इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उस फिल्म के बाद से बॉलीवुड में पैदा हुआ एक यंग एंग्री मैन। जिंदगी कितने दांव पेच लगाती है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमिताभ बच्चन की जिस आवाज की पूरी दुनिया कायल है उनकी इसी आवाज को ऑल इंडिया रेडियो ने भारी बताकर नौकरी नहीं दी। और फिल्मों में आने के बाद अमित जी ने अपनी इसी आवाज में
दो दर्जन से ज्यादा गाने गाए हैं और उन्होंने अपना पहला गाना मिस्टर नटवरलाल फिल्म में गाया था, जिसके बोल हैं, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, जिसके लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला है। इनकी जिंदगी के एक कड़वे सच को लगभग दुनिया जानती है और वो है फिल्म पुली की शूटिंग के दौरान आंख में चोट लगना। दरअसल 26 जुलाई 1982 को पुली फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म के एक्शन में एक्टर पुनीत इस्सर को अमिताभ को मुक्का मारना था और उन्हें मेज से टकराकर जमीन पर गिरना था, लेकिन जैसे ही वे मेज की तरफ कूदे मेज का कोना उनकी आंख में लग गया, जिसकी वजह से उनका काफी खून बह गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस दौरान उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उन्हें अस्पताल में देखने के लिए गई थी। इसके अलावा उस संकट के समय उनकी पत्नी जया बच्चन भी रोजाना कैंडी अस्पताल से सिद्धि विनायक मंदिर तक पैदल जाया करती थी, जो लगभग 6 किलोमीटर दूर है। और तो और अमिताभ बच्चन के हजारों लाखों फैंस ने उनकी सलामती के लिए मंदिरों गुरुद्वारों में प्रार्थनाएं शुरू कर दी। इस चोट से उभरने के बाद उन्हें लगा वे अब फिल्में नहीं कर पाएंगे और उन्होंने अपने पैर राजनीति में बढ़ा दिए। उन्होंने 8वें लोकसभा चुनाव में अपने क्षेत्र इलाहाबाद की सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री HN बहुगुणा को काफी ज्यादा वोटों से हराया, पर राजनीति में वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए और फिर उन्होंने अपना रुख फिल्मों की ओर करना सही समझा। अमिताभ बच्चन शुद्ध शाकाहारी हैं और 2012 में पेटा इंडिया द्वारा इन्हें एशिया का हॉटेस्ट वेजिटेरियन करार दिया गया। पेटा एशिया द्वारा करवाए गए एक कॉन्टेस्ट पॉल में एशिया के सेक्सिएस्ट वेजिटेरियन का टाइटल भी उन्होंने ही जीता था। इस उम्र में सेक्सिएस्ट पोजीशन, मुझे लगता है हमें इनसे काफी कुछ सीखने की जरूरत है। उनकी एक कंपनी भी है जिसका नाम अमिताभ बच्चन कोऑपरेटिव लिमिटेड है। ये कंपनी कुली शूटिंग की चोट के दौरान काफी खस्ता हालत में थी। इस दौरान उनके दोस्त अमर सिंह ने इनकी काफी मदद की। बाद में अमिताभ ने अपनी पत्नी जया बच्चन को समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करवाकर राज्यसभा सांसद बनाया। इससे समाजवादी पार्टी को काफी मदद मिली। 1970 और 1980 के दौर में फिल्मी सीन्स में अमिताभ का ही दबदबा था। इस वजह से फ्रेंच फिल्मों के डायरेक्टर फ्रांसवा तुर्फो ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री तक कह दिया था। इन्हें भारत सरकार की तरफ से 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिल चुके हैं। अमिताभ बच्चन की उस दौर में कितनी अहमियत थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1992 में बनी खुदा गवाह फिल्म की शूटिंग भारत, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान में हुई थी। और जब फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में हो रही थी, तब अफगानी राष्ट्रपति ने देश का आधा सिक्योरिटी सिस्टम उनकी सिक्योरिटी में लगा दिया था। अमिताभ बच्चन दोनों हाथों से लिख भी लेते हैं, साथ ही इन्हें मराठी, पंजाबी, गुजराती और बंगाली भाषाओं का भी ज्ञान है। बात करते हैं इनकी शादी की। आप सबको पता है कि इनकी शादी जया बच्चन से हुई है, जिनसे इनके दो बच्चे हैं, अभिषेक बच्चन उनके बेटे और श्वेता नंदा उनकी बेटी हैं। वैसे बता दें कि फिल्मी करियर में जवानी के दौरान सभी के अफेयर जरूर होते हैं। इन मामलों में अमिताभ बच्चन भी पीछे नहीं हैं। इनके जमाने की मशहूर अभिनेत्री रेखा से भी इनके अफेयर के काफी चर्चे रहे हैं और कई बार तो रेखा के शादी ना करने पर भी सवाल उठते रहे हैं।